दोस्तों फिर से एक जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा और कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि इस वीडियो में 4 से 5 एयर ड्रॉप प्लस मैं जेड के सिंह और लियर जीरो की यहाँ पे बिगेस्ट अपडेट और 2 से 3 ऐसे जबरदस्त कंफर्म टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप जिसमें ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना क्योंकि लेयर जीरो और जेड के सिंह के टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर ड्रॉप पे जाने से पहले आप लोगों को बता दूं, आज से 11 दिन पहले हमने जो PLX की जो वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पे हमने इनके ब्रिज को यूज अलग वो अलग बात है, मगर फ्री में हम यहाँ पे पॉइंट अर्न किए थे और उन पॉइंट को बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे सेल कर पाओगे टोकन में कन्वर्ट करके। तो इन्होंने जैसे कि मैंने बताया था इनका आईडियो ना डाओ मेकर पे प्लानिंग, तो कल जो मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था ये डाओ मेकर पे ये यहाँ पे एयर ड्रॉप दे रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके मेटामास कनेक्ट कर लेना, बस यहाँ पे डी बैंक पे जाके आप देख लेना आपके वॉलेट पे कुछ भी एसेट $500 बर्थ का हो तो यहाँ पे जो भी आप बोटिंग करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बोट पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन साइन इन का मैसेज आता है, साइन अप ईमेल से करोगे उसके बाद साइन इन का मैसेज आएगा और जब आपके अकाउंट में यहाँ पे $500 बर्थ का कुछ भी एसेट होगा तो यहाँ पे आपका जो वोट होगा वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको PLX टोकन यहाँ पे एयरड्रॉप के थ्रू मिलेंगे और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे बता देगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रजिस्टर्ड द, मतलब एयरड्रॉप में रजिस्टर हो गए और यहाँ पे आपका करंट पॉइंट जो स्कोर होगा वो शो हो जाएगा जैसे कि आपके वॉलेट में जो भी $500 बर्थ का। एंड और स्कोर यहाँ पे अपना बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको और कुछ सोशल टास्क मिल जाएंगे, जैसे इनके ट्विटर को फॉलो करना, इनके पेज पे विजिट करोगे इंस्टेंट यहाँ पे आपको मोर पॉइंट मिल जाएंगे जिससे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी विनर होने के लिए। एंड यहाँ पे हर घंटे में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता जाएगा हर 6 आवर में, ठीक है। बस इतना जो मेन था वो बताना भूल गया था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट इसको कर लेना। तो अब चलते हैं हमारे जबरदस्त और कंफर्म एयर ड्रॉप की तरफ। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले जो मैं आपको एयर ड्रॉप देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ चेन 4 एनर्जी की एनर्जी तरफ से और ऑलरेडी इनका टोकन, मतलब इन्होंने डिजाइन वगैरह कर दिया, C4E इनके टोकन का नाम है और इनकी टीम ऑफलाइन मार्केट में काम कर रही है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको और आपको बता दूं ये कॉस्मोस ऑटोम बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे इनका एयर ड्रॉप लाइव है और अभी भी ये देखो ये इनकी टीम जबरदस्त तरीका से काम कर रही है और इनके ऑफलाइन प्रोडक्ट भी बने हुए हैं जिस नाम से इनका टोकन मार्केट में आ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्रोजेक्ट मैंने काफी वेरीफाई किया, एकदम जबरदस्त था। इनके 2 एयर ड्रॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट एयर ड्रॉप है इस, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आप एयर ड्रॉप चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं कनेक्ट केपलर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे मेरा अभी किसी भी मतलब एयर ड्रॉप में अभी एलिजिबल नहीं है, इनके जो और जो जैसे ऑटोम स्टेकर के लिए भी था बट यहाँ पे ऑटोम स्टेकर के लिए अगर किसी ने यहाँ पे डिटेल में देखोगे तो लगभग इतने टोकन यहाँ पे इन्होंने ऑटोम स्टेकर के लिए रखे थे बट यहाँ पे कंडीशंस थी कि भाई एटलीस्ट 50 ऑटोम जिसकी बर्थ अभी $400 से $500 की होती है कौन ही रखेगा अभी इस टाइम पे मार्केट में वैसे भी, और मैक्सिमम यहाँ पे 1000 और भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है, मगर मैं आज आपको इनको इस चीज़ को नहीं गिनाऊंगा। जो इनके फ्री टेस्ट नेट का एयर ड्रॉप चल रहा है प्लस यहाँ पे जो इनका GLE का चल रहा है इसमें हम यहाँ पे एलिजिबल होंगे, मैंने खुद एडमिन से बात की है जाके, अभी एयर ड्रॉप यहाँ पे लाइव है टेस्टनेट वाला। तो सबसे पहले आपको टास्क रहेगा आपके पास केपलर वॉलेट प्लस यहाँ पे लीप वॉलेट, मैं इनका ऑफिशियली लिंक दूंगा, यहाँ से आप जाके इन दोनों वॉलेट को इस प्रकार से ऐड टू क्रोम आप मोबाइल में आराम से हो जाएगा माइसिस। अब जैसे यहाँ पे केपलर एंड लीप वॉलेट आपका बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट नया वॉलेट, अगर आपका पास पुराना वॉलेट है तो टेस्टनेट के लिए वो यूज कर सकते हो बट आपका वो एयर ड्रॉप वॉलेट हो ना कि पर्सनल वॉलेट। क्रिएट करना हो लीप वॉलेट तो नया यहाँ पे बना लेना और इंपोर्ट करना हो जो कि अगर आपको केपलर की प्राइवेट की करना हो इंपोर्ट, तो मैंने तो केपलर की थी एंड यहाँ पे की डाल के और यहाँ पे अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर लिया जिसमें मेरा लीप वॉलेट कुछ इस प्रकार से और मेरा जो केपलर वॉलेट है कुछ इस प्रकार से मेरे सामने आ गया। अब उसके बाद आपको इस साइड पे आ जाओगे जब दोनों वॉलेट यहाँ पे मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे केपलर वॉलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, बकाया मुझे यहाँ पे फॉसिट वगैरह लेना है काम क्या करना है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दूंगा इनका एक एयर ड्रॉप वाली लिंक, ठीक है,
उस पे जब आप क्लिक करोगे और कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि आपको कनेक्ट लीव वॉलेट करने का ऑप्शन आ गया है। एंड जैसे ही इस पे क्लिक करोगे नेटवर्क ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको देखो कॉर्नर में ये फॉसेट का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले जो उनके टेस्टनेट के टोकन है, आप क्या काम करना, आप यहाँ पे आपको इस तरह से ये एड्रेस नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आपको यहाँ पे एड्रेस नहीं मिलेगा। आप या तो अपने लीप वॉलेट में जाना या तो केपलर वॉलेट में जाना और यहाँ पे देखो कॉर्नर में आप जाना और ऊपर जाते जाना यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैन एनर्जी का यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। और ये आपका टेस्टनेट का एड्रेस रहेगा, इसको आप करना कॉपी और यहाँ पे डाल के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना। और यहाँ पे अभी मैं मतलब बैलेंस देखो मेरे में 99 मतलब टोटल है, मतलब 100 था। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट टोकन पे क्लिक करूंगा, फॉसेट वर्क कर रहा है अभी बिल्कुल परफेक्टली और यहाँ पे टोकन आपको इंस्टेंट सक्सेसफुली मिल जाएंगे और ये देखो 100 मेरे प्लस हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेकिंग करना है गवर्नेंस में, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जो रिवार्ड बनेगा उसको क्लेम करना है। तो जो सबसे पहला ऊपर वाला ये दिख रहा है ना आपको, ये अमोना ये करके, ठीक है, इस पर आपको करना है मैनेज पे क्लिक। अब मैनेज पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कितने करने चाहते हो। तो जैसे मैंने 50 पहले कर रखे थे, मैं 50 और यहां पे कर देता हूं और यहां पे मैं डेलीगेट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही यहां पे मैं डेलीगेट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरे वॉलेट पे एक अप्रूव करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहां पे अप्रूव कंप्लीट हो जाता है यहां पे लिख के आ जाएगा कि भाई सक्सेसफुली आपने कर दिया है और यहां पे आपका जो स्टेकड अमाउंट है वो यहां पे सो गया 50। मैंने पहले किया था 50 आपके सामने कर दिया, पहले मैंने टेस्टिंग की थी। देन उसके बाद यहां पे ये जो क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है ना, अभी जो मेरा स्टेक था ना इससे पहले जो आपने देखा होगा तो यहां पे मेरा अमाउंट शो हो रहा था, ठीक है, और अभी बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं अगर अभी क्लेम पे क्लिक करूंगा तो अभी मेरा कोई अमाउंट नहीं है। एंड अगेन कुछ देर वेट करोगे तो यहां पे देखोगे कुछ ना कुछ अमाउंट यहां पे बढ़ जाएगा और इसको एक बार जरूर क्लेम करना आप, ठीक है, ताकि आपका जो एड्रेस है ना ये वैलिड एड्रेस माना जाए। जब यहां पे अमाउंट शो हो जाएगा तो यहां पे क्लेम पे क्लिक करना और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाना चाहिए इस प्रकार से जैसे ये वाला हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जो हमने वेबसाइट वाला काम था, हमने यहां पे स्टेकिंग फॉसेट ले लिया और एयर ड्रॉप, दो एयर ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं इनके, ये तीसरा लास्ट है। तो इसमें ऊपर वालों से तो हमसे कोई मतलब नहीं है, जो यहां पर रह गया। अब जीएलई टोकन एलोकेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे एंड इनके हम ट्विटर पे चलते हैं तो ट्विटर पे वही आ जाते हैं, ये आ गए हम ट्विटर पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप इस पर करोगे रीड टू द एनर्जी टेस्टनेट ग्लोरी तो यहाँ पे देखो डेलीगेट हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रीडेलीगेट करना है और यहाँ पे हमको अनडेलीगेट करना है जिसका हमको एक्सपी पॉइंट मिलेगा और यही एक्सपी पॉइंट हमारा यहाँ पे काउंट होगा। तो आपको देखो अगेन उसी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप जैसे मतलब आपने सेम वहीं पे ही आना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और कोई भी दिक्कत, जैसे स्टेकिंग पे ये देखो मैं यहाँ पे स्टेकिंग पे आ गया और मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अनडेलीगेट और रीडेलीगेट करोगे तो ये जो आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, एरो पे आप आओगे और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है अनडेलीगेट का, तो अनडेलीगेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि भाई हम यहाँ पे कितना अनडेलीगेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये एग्जांपल के तौर पे, मतलब मैंने एक डाला है बट यहाँ पे अभी अनडेलीगेट हमारा हम 21 डे के बाद कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी अनडेलीगेट पे क्लिक करता हूँ और हमारे वॉलेट पे एक कन्फर्मेशन आएगा और यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करोगे। जैसे अप्रूव पे क्लिक करोगे ये भी ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। हमने एक यहाँ पे जो अनडेलीगेट वाला था ऑप्शन था वो यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि योर अनस्टेकिंग, कि हमने ये अनस्टेकिंग पे लगा दिया है एक, ठीक है। पहले हमने स्टेकिंग पे लगाया था, अब हम फिर से मैनेज पे क्लिक करेंगे देन फिर से डेलीगेट पे जाएंगे और रीडेलीगेट पे करेंगे। अब रीडेलीगेट का मतलब ये होता है कि हम उसको अनस्टेक नहीं कर रहे हैं, हम एक जो इस मतलब वैलिडेटर था उस वैलिडेटर पे से हटा के रीडेलीगेट कर रहे हैं किसी दूसरे पे। तो हमारा ऊपर हो गया रीडेलीगेट वाला, अब नीचे हम चूज करेंगे कि हम किसको कर रहे हैं। तो हम इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मान लो मैं मतलब इसको जो ये है ना ये वाला 8 नंबर वाला, इसको मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मतलब एक अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे रीडेलीगेट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मेरा जो दूसरे जगह पे मतलब डेलीगेट है वो हटके वैलिडेटर पे से इस वैलिडेटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये 99 है, यहाँ से हटका मेरा 95 हो जाना चाहिए और दूसरे डेलीगेटर पे वो चला जाना चाहिए। ये देखो मतलब एक मेरा अनस्टेकिंग पे लग गया
और ये मैंने स्टेकिंग पे लगा दिए और ये मैंने 5 डरी डेलीगेट कर दिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये कंडीशन थी इसको हमने फुलफिल कर दिया एंड वो अनलॉक मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सोशल टास्क भाई देखो सब कर लेंगे कि भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना और ये करना, बट यहाँ पे जो जैसे ये वाला है टीम वाला, ठीक है, ये इन्वाइट वाला इसको हटा देना। ये जो लीप वाला है इंस्टॉल आपने ये वाला किया ना लीप वॉलेट, तो हमने ऑलरेडी किया है, तो ये हमसे कह रहा है कि भाई स्क्रीन शॉट दो लीप वॉलेट का ब्राउजर का, ठीक है, और यहाँ पे आपको वहाँ पे एक स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप लोग इतना स्क्रीन शॉट ले लेना, ये जो एड्रेस है ना ये एड्रेस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एड्रेस यहाँ पे मतलब ये फोटो है ना, जैसे आप स्क्रीन शॉट ले लोगे तो वो फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है, इस प्रकार से आप अपलोड कर देना। एंड यहाँ पे आपको क्लेम के जैसे क्लेम करोगे तो ये रिवॉर्ड शायद पेंडिंग में क्लेम हो गया शायद, हाँ यहाँ पे ये रिव्यू में चला गया, देखो ठीक है ये वाला चला गया ना। एंड अब जो दूसरा वाला है तो ये कह रहा है कि कनेक्ट करो लीप वॉलेट आपका उस वेबसाइट से टेस्टनेट से, जैसा कि मेरा इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से आप मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और मैं ये एक ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ये मैं रिसेंट पे गया और ये उठाया मैंने, सॉरी गाइस। तो देखो ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, जब ये वाला ये मतलब रिव्यू वेरीफाई कर देंगे मैनुअली टीम, ताकि आपने स्पैम वगैरह तो नहीं किया, उसके बाद ये वाला अनलॉक हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, कनेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेके भेज देना और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वॉलेट भेज देना, ठीक है, मतलब उसी वही वाला जो मैं बता रहा हूँ। और अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई केपलर का करो, कि हाँ इस पर जैसे क्लिक करोगे ना इंस्टॉल केपलर वॉलेट एंड द मतलब वर्जन डेस्कटॉप पे, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट एड्रेस रिमेम्बर राइट डाउन योर मतलब अपनी फेस की को सेव रखना, उसका स्क्रीनशॉट मत दे देना प्राइवेट की का, ठीक है। आपको अपना अकाउंट ओपन करना है केपलर का और ऊपर ना स्टेकड बैलेंस पे आ जाना, ठीक है। अब स्टेकड पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो टेस्टनेट का बैलेंस भी शो हो जाएगा, ये देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट मतलब ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे ये वाला अपलोड कर दूंगा ताकि इनको ये पता चल जाए कि हाँ भाई हमने स्पैम नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे अपलोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लेम रिवॉर्ड पे क्लिक एंड उसके बाद में जो सबसे नीचे आप यहाँ पे क्लिक करके आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिखेंगे। इनके आंसर जैसे कुछ तो मुझे पता है, कुछ जो पता नहीं है वो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे वार्ड कोलाबोरेशन इन द चेन एनर्जी ब्लॉकचेन सिटी प्रोजेक्ट, इसमें कौन कौन, तो देखो टेस्ला BMW टोयोटा और फोर्ड, भाई इनमें से एक तो है ही मतलब इन्वॉल्व, तो तुम खुद देखो कि यहाँ पे कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, इनमें से एक तो है ही है, ठीक है। देन उसके बाद आंसर 5 इसमें, ठीक है, ये रहा GLE की टास्क, ये भी मैंने आपको बता दी है। एंड अब फाइनली यहाँ पे जैसे ही एयर ड्रॉप एंड होगा, ठीक है, तो हमने जो टेस्टनेट किया है और जो हमने GLE का किया है वो हम यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि GLE पे जो मैंने ये टास्क बताया है कि जैसे ये वाला रिव्यू पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद ये अनलॉक होगा, फिर उसके बाद ये वॉलेट एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, फिर आपको क्या करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि या तो ये वाला एड्रेस उठा लेना आप यहाँ पे और यहाँ पे डाल देना ये वाला एड्रेस, ठीक है। और अगर केपलर में से लेना हो तो यहाँ पे आप केपलर पे जाना और बिल्कुल नीचे जाना और यहाँ पे व्यू मोर एड्रेस पे जाना और थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये देखो C4E, इस पर क्लिक करके एड्रेस सक्सेसफुली मैंने ये एयरड्रॉप आपको कंफर्म कर दिया, पूरा बता दिया स्टेप बाय स्टेप। लास्ट यही सिस्टम है, मतलब स्टेप है, उसके बाद ये लिस्ट हो जाएगा। इन्होंने बताया कि यही Q3 में कोशिश कर रहे हैं ये लोग लिस्टिंग कराने की। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट बेस पे, और ये सारी की सारी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को पे ज्वाइन कर लेना। एंड जो सेकंड एयर ड्रॉप मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे एल्टीट्यूड का, ऑलरेडी कई बंदों ने ये कर लिया होगा और सबसे खतरनाक बात यहां पे ये है कि इसमें भी आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और एयर ड्रॉप 1000% कंफर्म है, ब्रीडिंग मेड इजी बाय लेयर 0, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये लेयर 0 के इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब एयर ड्रॉप की बात करूं तो नीचे यहां पे सेल वगैरह जाने के बाद में एंड नीचे यहां पे आप देखोगे तो अप टू 5
10% इन्होंने टोकन जो रिजर्व में रखे हैं एयर ड्रॉप के लिए, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि हाँ ये एयर ड्रॉप देंगे। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा तो मैं रामायण पढ़ाऊँगा नहीं, एकदम प्रोजेक्ट भी अच्छा है, देख लो यहाँ पे जाके आप, और टीम वगैरह मैंने देखी वो भी सारी की सारी एकदम अच्छी खासी है, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद अब जैसा कि आपको मैंने बता दी है मल्टीपल चेन्स वगैरह यहाँ पे यूज कर रहा है आर्बिट्रम, अवलांच, बीएनबी, इथेरियम, एफटीएम, ऑप्टिमिज्म, मैटिक। तो आपको इन नेटवर्क पर इनको इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि आपका एड्रेस यहाँ पे 101% एलिजिबल हो जाए एयर ड्रॉप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल में सर्च नहीं, मैं डायरेक्ट आपको लिंक, आप chainlist.org पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको अगर अभी सर्च करोगे तो टेस्टनेट के यहाँ पे नेटवर्क शो नहीं होंगे, सबसे पहले यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप टिक कर दोगे तो अब यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे पहले जो नेटवर्क मैं आपको ऐड कराऊंगा वो यहाँ पे मैं ऐड कराऊंगा यहाँ पे मैटिस का। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप मैटिस लिखते हो एंड वहीं उसी के साथ में यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, देखो एक तो दिखेगा स्टारडस्ट टेस्टनेट और एक दिखेगा गोरली का, ठीक है। तो आपको इन दोनों में ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, तो आप क्या काम करना है इन दोनों के यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर लो ताकि यहाँ पे आपको मतलब बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कर लिया और ये नीचे वाला भी आप इसको भी कर लो, और यहाँ पर आपको एवेक्स का भी करना, ये लिखा ना अवलांच फूजी करके, ये वाला करना है, ठीक है, आपको दूसरा वाला मत करना, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अप्रूव कर देना और ये स्विच ऑलरेडी चैनल पे हो गए, तो इसके फॉसिट भी आप सबके पास पड़े होंगे कई सारी, ये देखो मेरे पास भी कब का पड़ा है, बहुत मतलब 2022 का पड़ा हुआ है। एंड आप यहाँ पे आ जाना बैक वाले पेज पे, जो होम पेज जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। देन यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिखेंगी, ट्रांसफर पूल फॉर्म स्टेक, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक कर देना है। मेटामास्क पे जो टेस्टनेट नेटवर्क मतलब सपोर्ट कर रहा होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। और एक चीज़ मैंने रह गई, मैंने आपको ये जो मैटिस का एड्रेस मतलब नेटवर्क ऐड कराया है, सबसे पहले इस पे यहाँ पे मतलब फॉसेट लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे आपके सामने मैं लाइव क्लेम करके दिखा रहा हूँ, अगर ट्रैफिक के चक्कर में अगर थोड़ी बहुत जैसे दिक्कत वगैरह भी दिखे ना, तो मैंने यहाँ पे भाई एड्रेस पुट किया, तो ये मतलब वैसा दिखाना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया और मैं यहाँ पे ड्रिप पे क्लिक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे मतलब दिखा रहा है तो ये क्या काम कर रहा है, ये देखो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ से चले गई है और कुछ ही देर में हमारे मतलब एक एक करके सारे फॉसेट आ जाएंगे। तो अभी जो आया है वो आया है मैटिस गोरली वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नेटवर्क दिख जाएगा मैटिस गोरली वाला, मैटिस इस पे हम ब्रिज मार देंगे, ठीक है। ये वाला एक आया और हर 12 घंटे में एक ले पाओगे, ठीक है। एंड जो दूसरा है वो यहाँ पे जैसे मतलब एवेक्स का ले सकते हो, तो एवेक्स का जो इनका पूल है उसमें अभी बैलेंस दिखा रहा है 6082 एवेक्स टेस्ट नेट के। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, और ये मतलब एवेक्स का फॉसेट है तो यहाँ पे आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा रिक्वेस्ट टू, जैसे यहाँ पे टू पे क्लिक करोगे तो ये शायद कुछ कन्फर्मेशन लेगा और ये यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और मैं एवेक्स पे जाता हूँ, अवलांच फूजी पे, चार हो जाना चाहिए, दो थे मेरे पे, ये देखो चार हो गए, ठीक है। ये दो अभी के अभी आए हैं, ये देखो 11 जुलाई को, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूल दिखा रहा है ना, ये पूल पे नज़र रखना, जैसे पूल खत्म हो गया तो मतलब हर 24 घंटे में या 12 घंटे में ये लोग अपडेट करेंगे। एंड बैक आ जाना उसी वेबसाइट पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, देखो ब्रिज, ट्रांजेक्शन पूल, फार्म स्टेक, फॉसेट पे क्लिक करके, अगर जैसे आपके पास अगर कोई फॉसेट अभी भी रह गया है, मेटामास्क पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आ जा भाई, नेक्स्ट पे क्लिक, कनेक्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट टोकन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अवलांच का भी मिल जाएगा, ये देखो मतलब कन्फर्म का ऑप्शन आया और यहाँ पे रिक्वेस्ट टोकन, और ये यहाँ से भी आप तीन फंड ले सकते हो, अवेक्स और बाइनेंस और मैटिस का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वापस से वेबसाइट पे आ जाना है एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको देखोगे कि आपको यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखो ब्रिज पे क्लिक करोगे एंड ब्रिज का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अब ये बता रहा है कि भाई टोकन तुम्हारे पास ये, ठीक है, आल्ड और चेन बीएनबी चेन। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, जो हमने यहाँ से ली है ना, यहाँ से लिया है हमने फीस, ठीक है, और जो इस वाली वेबसाइट से लिए हैं हमने इनके टोकन, ठीक है। तो देखो फीस के लिए हमारे पास, हम वॉलेट में जाते हैं तो हमको ये वाली फ़ीस दिख जाएगी वन मैटिस की, ठीक है। और टोकन का यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने अभी क्लेम करे हैं वो यहाँ पे टोकन ये वाले आ चुके हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आल्ड टोकन मैटिस नेटवर्क पे ही हैं,
किस नेटवर्क पे ले जाना चाहते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं आवालांच या बीएनबी से बीएनबी चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे मतलब 10-100 जो भी डाल देता हूँ, एंड सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना। मेटामास्क पे एक कन्फर्मेशन आएगा और यहाँ पे कन्फर्म और ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग और ये चला गया आपका अपडेट होने के लिए। यहाँ पे तो ये दिखा रहा है कि भाई कंफर्म हो चुका है। और सेम हमने यहाँ पे मतलब आवालांच पे भी लिए थे टोकन, ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे आवालांच से भी मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं बीएनबी नेटवर्क पे भेज देंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे 10 भेज सकते हो, 100 भेज सकते हो, 50 भेज सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 10 भेजे, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब ये चीज़ ना आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं टेस्टनेट है तो वीकली बेसिस पे हर एक दो दिन में या फिर मॉर्निंग में उठ के आप इसको एक दो ट्रांजेक्शन बजा दिया करना, जैसे कि एंड ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमने भेज दिया है आवालांच स्कैन पे। ट्रांजेक्शन वाला आपको बता दिया, अब हमारा रह गया इधर पूल फार्म का स्टेक का, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूल पे चलते हैं। आप पूल पे आपको बहुत सारे पूल मिल जाएंगे कि यहाँ पे आवालांच बीएनबी, आवालांच मैटिस, तो हम क्या करते हैं हम आवालांच मैटिस वाले पे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास इतना अमाउंट है, हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम 50 ले लेते हैं और यहाँ पे हम सेट अलाउंस, सबसे पहले तो अलाउंस करेंगे इसको, मतलब परमिशन देंगे और यहाँ पे आप कितने करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे 100 की परमिशन दे देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड अग्रेसिव पे क्लिक करता हूँ ताकि ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाए। उसके बाद ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना, ये वाला मतलब पहले इनेबल नहीं था, अब इनेबल हो गया ना। देन मेटामास्क पे अगेन सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपका मतलब ट्रांजेक्शन एग्रेसिव पे ही करना क्योंकि टेस्टनेट है तो फटाफट, देन ये भी कुछ ही टाइम में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पूल मैंने एक पूल पे किया, अब एक मतलब तीन पूल यहाँ पे अभी करंट आपको दिखा रहा है और भी आपको मतलब दिख जाएंगे, तो यहाँ पे आप सब पे कर सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं सब पे करने के लिए बैठूंगा, मतलब एक बता दी मैंने आपको, बकाया आप समझ सकते हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो सब पे कर देना। अब उसके बाद नीचे आपको दिखेगा फार्मिंग का ऑप्शन, अब फार्मिंग के ऑप्शन पे जाके अब यहाँ पे जो आपने अभी मतलब पूल में जाके लिक्विडिटी ऐड की थी वो यहाँ पे फार्मिंग के तौर पे देगा, यहाँ पे आपका अमाउंट देखेगा यहाँ पे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे सॉरी गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो जो जिस पे भी आपने दी होगी यहाँ से देखते जाना एंड इस पे मैंने दी है, ठीक है, आवालांच मैटिस पे, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे एंड फाइनली यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक कर देना, जो भी आपने अमाउंट किया होगा वो यहाँ पे आपका ऑलरेडी शो हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सेट अलाउंस पे क्लिक करना, जैसे मैंने अभी पूल में किया था उसी प्रकार से फिर से आपके मेटामास्क पे कन्फर्मेशन आएगा, यहाँ पे आप इसको डिलीट करके मैक्सिमम पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे मैं एग्रेसिव पे कर देता हूँ और ये देन आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फार्मिंग का, ठीक है, वो वाला जैसे कर दोगे, ठीक है। अब आपने अलाउंस कर दिया, फार्मिंग कर दिया, फिर से मेटामास्क ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर देना एंड फाइनली कुछ ही सेकंड में ये भी डन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है हमारा स्टेक वाला ऑप्शन, ठीक है। देन स्टेक पे जिस भी मतलब अमाउंट देखोगे आप यहाँ पे आपको अब जिस भी चेन पे आपका अमाउंट था आप क्या करना, यहाँ पे वो टोकन दिख जाएंगे और यहाँ पे पूल भी दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपका अमाउंट भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, इसमें से आपको कितने करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे कितने भी कर सकते हो, सारे फ्री के हैं। सबसे पहले सेट अलाउंस पे, देन यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक और उसके बाद जैसे ये स्टेक का बटन अलाउंस के बाद में मतलब इनेबल होता है उसके बाद इसको भी आप स्टेक कर देना, ठीक है। पहले अलाउंस होता है फिर उसके बाद रियल जिस काम के लिए हम कार्ड क्लिक कर रहे हैं वो काम होता है। एंड सक्सेसफुली आपने जिस प्रकार से यहाँ पे ऐड किया है उसी प्रकार से आप इसको रिमूव भी करना, थोड़ा जैसे यहाँ पे इतना है, अब इतने में से मैं 90 किया है मैंने, मैं यहाँ पे 10 निकाल देता हूँ, ठीक है, अनस्टेक कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको जो फार्मिंग और पूल का रिवॉर्ड मिलता रहा है उसको भी यहाँ पे आप मतलब क्लेम करके, ताकि इनको ये वैलिड लगे, ऐसा ना लगे कि हमने एक ही बार कर दिया और डन। एंड उसके बाद यहाँ पे स्मॉल टास्क रह जाता है बस, यहाँ पे मतलब इनके जो GLE आप Q3 बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फॉलो का टास्क है, फॉलो पे क्लिक करोगे और इनको फॉलो कर लेना, बस इतना सा करना है। और आप इनके डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको आरबी ट्रम्प का एड्रेस सबमिट करना है, यहाँ से ये लोग आपको मतलब क्या बोलते हैं एड्रेस का, यही वाला अपना एड्रेस दे देना जो मेटामास्क का होता है एंड इसको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि आप इनकी लिस्ट में ऐड हो जाओगे। और यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना और आपको न्यू क्विस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगी इसी तरीका से, जैसे ये डिस्कॉर्ड वाली हो गई, डिस्कॉर्ड मैंने ऑलरेडी पहले ज्वाइन कर लिया है तो मैं यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा
गया सक्सेसफुली, डिस्कॉर्ड वाला टास्क हो गया, अब ये मतलब एडवेंचर हो गया। अब यहाँ पे आपको और भी टास्क दिख जाएंगे, इनको भी आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, ठीक है। तो टू ईयर ड्रॉप यहाँ पे सक्सेसफुली कंफर्म। एंड थर्ड जो फटाफट यहाँ पे जेट के सिंह की और लेयर जीरो की, जो मेन अभी लेयर जीरो का, उसका मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भाई, लेयर थ्री का ऑलरेडी मैंने ब्रिज और यहाँ पे रैंक वाला सारा कुछ यहाँ पे बता रखा है। बस यहाँ पे ये सोलाना वाला एक न्यू टास्क ऐड हुआ है, मतलब नेट चेन ऐड किया इन्होंने। तो सबसे पहले जो आप सोलाना पे क्लिक करोगे तो आपको क्या बोलेगा कि भाई आप ऐड वगैरह करो, तो आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ओपन प्रोफाइल पे क्लिक करना, अपनी प्रोफाइल पे चले जाओगे। आपके मोबाइल में या फिर एक्सटेंशन जरूर होगी या फिर वॉलेट होगा, ठीक है, आपको वाइसेंस ब्राउजर में कर लेना है। देन यहाँ पे आप जब आओगे तो सेटिंग पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये लेयर थ्री की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना, ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। देखो तीन ऑप्शन कौन कौन से, एथेरियम, कॉस्मोस, सोलाना। तो सोलाना पे जब क्लिक करोगे तो फैंटम वाला ऑप्शन आएगा, फैंटम पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि फैंटम वाला मेरी यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप फिर से बैक जाओगे, देन यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे और कंटिन्यू कंटिन्यू, और ये आप ब्लॉक पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे कंटिन्यू, और ये क्विस्ट कंप्लीट हो जाएगी आपकी एंड इसके एक्सपी भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिज मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया है, मैं आपको बार बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो ये देखो ये वाली मैंने मतलब कितने को 5 जुलाई को बताया था, जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था इंस्टेंट आपको बता दिया था कि ब्रिज वगैरह कैसे करना, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और सेम मैंने टेलीग्राम पे ये भी पोस्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाल रखी है, रिवील वाली, जो ARKM की तरह सेम यहाँ पे होगी, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी डालना है और एड्रेस आप वॉलेट कनेक्ट मत करना, इंटर मैनुअल पे क्लिक करके डाल के ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेरीफाई है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ भाई बैकेट भाई पॉलीगोन, और पॉलीगोन भी इसको फॉलो से फल न्यू लिंक, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सारा कुछ बता दिया, ये भी यहाँ पे पॉइंट के थ्रू आपको टोकन दे सकता है। एंड अब बात आती है यहाँ पे लेयर जीरो की फाइनली। तो ऑलरेडी मैंने, तो देखो मेरा हमेशा से आपसे कहना रहा है कि जब तक इनका ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आ जाते कि भाई हाँ हमारा स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया है, ये रहे विनर लिस्ट, ये रहा एड्रेसेस, ठीक है, तब तक आप किसी की भी बात मत सुना। मैंने देखा है कि ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे रूमर चल रहे हैं कि भाई स्नैपशॉट हो गया है, मतलब ये डेटा वो डेटा हो गया हो, बहुत अच्छी बात है, बट अभी किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको मस्ट क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो लेयर जीरो पे क्या हुआ था पिछले कुछ एयर ड्रॉप्स में, कि जिन लोगों ने जितने ज़्यादा ब्रिजेस या फिर जितने ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेक्स, डिफरेंट मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज, मतलब सॉरी सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट किया था, उन लोगों को उतने ज़्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड मतलब मिलते गए थे। तो जैसा कि अभी करेंटली एक और अनाउंसमेंट आया जेड के ब्रिज पे, यहाँ पे पावर्ड बाय मतलब लेयर जीरो का, यहाँ पे आपको इसको क्लेम करना है और इसको ब्रिज करना है। और भी मैं यहाँ पे कुछ ब्रिजेस आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेयर जीरो के लिए स्टार्कनेट, BTC है, एप्टोस है, और भी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, ये एक नया लेयर जीरो पे आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आपको क्लेम कर लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग अपनी BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना मेन नेट का, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, मेटामास्क पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको फिर से एक साइन इन का मैसेज आएगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेयर जीरो और जेड के सिंह को लगे रहो बिल्कुल, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है कि अकेले मैं ही सारा कुछ दूंगा, जहाँ से आपको जो भी नॉलेज मिले वो सारी उठाते जाओ और अपने मतलब पेल के एयर ड्रॉप करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लिया, अभी यहाँ पे मेरी मिंट होगी और मैं इसको अब दूसरे नेटवर्क पर भेजूंगा, ठीक है। तो ये देखो मेरी कांग्रेसों ने ये मतलब रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे ये लिखा है ना जेट के ब्रिज NFT, मैं इस पर क्लिक करके BNB चेन से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले कंफर्म इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो कंफर्म इंपोर्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किस नेटवर्क पे इसको मतलब करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉलीगोन पे कर देता हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अप्रूव पे क्लिक किया, और ये ट्रांजेक्शन मेरे जो मतलब काउंट होंगे वो मेरे यहाँ पे काउंट होंगे लेयर जीरो पे, क्योंकि ये पावर्ड बाय लेयर जीरो पर है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैं न्यू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से डिफरेंट
डिफरेंट डेक्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करना है ताकि आपके एड्रेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखो अप्रूव किया, अब यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शंस आ गया। अब जैसे ट्रांसफर करोगे तो ये एनएफटी आपकी ब्रिज हो जाएगी। कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे इसको कंप्लीट होने में, जिसमें यहाँ पे चार कन्फर्मेशन लगती हैं, जिसमें यहाँ पे तीन देखो इंस्टेंट हो चुकी हैं और ये फोर्थ भी आपके आंखों के सामने शायद हो जाएगी कंप्लीट। हो जा भाई फटाफट, ये देखो जस्ट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इस एनएफटी को मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन पे की थी, अब यहाँ पे आप लेयर जीरो और देख सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को और सक्सेसफुली यहाँ पे आपको ये दिखा दे रहा है। ठीक है, ये देखो ये दिखा रहा है ना कि व्यू ऑन लेयर जीरो। एंड इसी प्रकार से आप लोगों को मैंने एप्टॉस ब्रिज भी बता दिया है, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है पावर्ड बाय लेयर जीरो है। इसी प्रकार से यहाँ पे बीटीसी डॉट ब्रिज है, ये भी यहाँ पे आप देखोगे तो पावर्ड बाय लेयर जीरो है। और स्टार गेट का भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये सब में वही सेम प्रकार से कि भाई हमको इथेरियम नेटवर्क से क्या ले जाना है या फिर बीएनबी नेटवर्क से क्या ले जाना है और यहाँ पे किस नेटवर्क पे ले जाना है, वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लो, उस नेटवर्क पे क्या रिसीव्ड करोगे वो सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे सिंपल से भेज दो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे पूल्स में इथेरियम नेटवर्क पे कुछ ना कुछ अमाउंट अपना लॉक कर देना लिक्विडिटी में। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट कर देना बस। और इस वीडियो में यहाँ पे जेट के सिंक का भी बताने वाला था बट वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 30-31 मिनट की हो चुकी है तो मैं वीडियो को यहीं पे ही अभी खत्म करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जेट के सिंक के भी कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे अपडेट आए वो मैं फटाफट से बता दूंगा। एंड यहाँ पे हमारी अर्निंग यहाँ पे एक्स कैड से भी जबरदस्त चल रही है और सारी लिंक यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल या परसों या 2-3 दिन बाद फिर से एक जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।